नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो टू एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल फिटनेस फंटोश। आज अपन बात करेंगे एक और ऐसे फूड की जो आपके वेट लॉस जर्नी में आपका अच्छा साथी रहेगा और आपकी वेट लॉस जर्नी में थोड़ा सा टेस्ट आपको देगा अच्छा, वो भी अगर आपको मन कर रहा है सैंडविचेस खाने का एंड रोल वगैरह खाने का, तो आप इससे ज़रूर बना सकते हैं। आप इसको एज अ फिलिंग यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी रोल में, लेकिन रोल में प्लीज़ मैदा यूज़ मत करिएगा। आप आटे में सूजी ऐड करके आप उसके लिए रोल बना सकते हैं और उसको खा सकते हैं। आप इसको अपने सैंडविचेस में एज अ फिलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इसके फ़ायदों की। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि इसमें प्रोटीन अच्छा सोर्स होता है। तो जो भी हम वेट लॉस जर्नी पे होते हैं वो सबसे पहले पनीर को ही इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन प्रोटीन के साथ साथ इसमें कैल्शियम भी होता है जो आपके टीथ और आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी होता है। इसमें इसके साथ साथ मैग्नीशियम भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है। फॉस्फोरस आपकी डाइजेशन को अच्छा इम्प्रूव करता है। और अगर मैं इसकी थोड़ी बहुत स्टडीज़ की बात करूँ तो स्टडी ऐसा कहती है कि जो पनीर का इंटेक करते हैं एक सही अमाउंट में, उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस भी थोड़े कम होते हैं। और ये आपको फुलनेस का एक फीलिंग देता है और आपको पूरे दिन एक्टिव रखता है। अगर मैं सही टाइम खाने की बात करूं पनीर को, तो आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। वैसे तो कोई भी टाइम गलत नहीं होता है, लेकिन आप प्रिफर करें कि आप इसको ब्रेकफास्ट में लें ताकि आपके जो पूरे दिन की एक्टिविटीज़ हैं उसमें इसकी पूरी एनर्जी आप इनटेक कर सकें, आप पूरी एनर्जी को आप यूज़ कर सकें। एंड एक चीज़ की जो ये पनीर होता है, इसको आप सादा तो सभी जानते हैं कि सादा तो आप खा ही सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बोर हो चुके हैं तब आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं कि आप इसको प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील्स में कभी भी ना लें। आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके थोड़ा टाइम बाद इसको खा सकते हैं, लेकिन प्री और पोस्ट वर्कआउट मील के तौर पर इसको ना लें। नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो पनीर भुर्जी बनाने के लिए अपन को चाहिए कुछ वेजीज, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, थोड़ी सी ग्रीन चिली, एक ऑनियन, एक शिमला मिर्च और थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग के लिए। और शिमला मिर्च में आप चाहें तो यहाँ पे रेड एंड येलो शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। एंड मेरे को सिर्फ ग्रीन ही अवेलेबल थी इसलिए मैंने सिर्फ वही यूज़ करी। आपको अवेलेबल हो तो आप ज़रूर यूज़ करें, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसको नॉर्मली क्रश कर लिया है हाथों से। अब अपन देख लेते हैं मसाले। तो अपन को चाहिए धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, राई, हल्दी, नमक, रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप एंड ग्रीन चिली सॉस एंड आवर सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैगी मसाला। आप कढ़ाई में 1.5 से 2 चम्मच घी डालिए। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि घी फैट बढ़ाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी भी देसी घी जो है वो फैट नहीं बढ़ाता। आप चाहें तो इसके बजाय ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और कोई ऑयल यूज़ मत करिए। एंड जहाँ तक हो सके आप जितने भी ऑयल मार्केट में अवेलेबल है उनसे दूर ही रहिए, क्योंकि वो आपकी हेल्थ को हमेशा ही ख़राब करेंगे, कभी भी अच्छा नहीं करेंगे। तो अच्छा यही है कि आप या तो घी यूज़ करिए या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ करिए। अब जब घी गर्म हो जाए तो इसमें हल्की थोड़ी सी राइस डाल दीजिए अपने अकॉर्डिंग एंड इसको थोड़ा सा भूनने दीजिए। जब ये ऐसे चटकने लगेगी तब आपको लगेगा कि हाँ भाई ये भुन गई है। इसमें आप थोड़ा सा करी पत्ता डाल दीजिए एंड इसको 1-2 सेकेंड्स के लिए चलाइए और इसमें प्याज डाल दीजिए। अब अपने को प्याज को अच्छे से भूनना है और तब तक इसको भूनना जब तक ये अच्छे से भुनना जाए। जब ये लाइट ब्राउनिश हो जाएगा तब आप समझिए कि ये जो ऑनियन है वो भुन गया है। इसको थोड़ी देर चलाइए, आपको लगेगा इसमें 2 से 3 मिनट तो ऑलमोस्ट लग ही जाते हैं। और जब ये भुन जाए उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। कुछ बात कर लेते हैं शिमला मिर्च की। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको अगर अवेलेबल होती है तो येल्लो और रेड शिमला मिर्च भी ज़रूर ऐड करिए। तो इसके कुछ मैं फ़ायदे बताऊं तो इसमें होता है विटामिन B6 होता है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो कि स्पेशली रेड बेल पेपर में पाया जाता है, जो कि आपकी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें थोड़ी सी मात्रा में विटामिन B1 होते हैं, B2 होता है एंड B3 भी होता है। इस शिमला मिर्च में आपको विटामिन B9 भी मिलेगा, जिसको हम फॉलिक एसिड या फिर फोलेट कहते हैं।
जितने भी विटामिन बी होते हैं ये सभी हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। एंड अल्टीमेटली जो ग्लूकोज है वो एनर्जी देता है। इन शॉर्ट कार्ब्स जो हैं वो आपको ज़्यादा ये स्टोर नहीं करेगा बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स को आपकी बॉडी में यूटिलाइज करने लग जाएगा। इसमें एक और बड़ी चीज़ पाई जाती है जो कि होता है विटामिन सी। यस, आपने सही सुना, विटामिन सी शिमला मिर्च में, स्पेशली रेड एंड येलो बेल पेपर में विटामिन सी पाया जाता है। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे कि सिट्रस फ्रूट से भी डबल मात्रा से भी ज़्यादा विटामिन सी रेड एंड येलो बेल पेपर में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है विटामिन ई, जिसको हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, और ये आपके इम्यून सिस्टम को भी थोड़ा सा बूस्ट करता है। एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है विटामिन शिमला मिर्च में। शिमला मिर्च में विटामिन के भी पाया जाता है, जिसको सभी जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है विटामिन के, एंड बोन्स की बिल्डिंग में भी हेल्प करता है। जैसे ही थोड़ी सी शिमला मिर्च भुन जाए आप इसमें टमाटर डाल दीजिए। एंड अपन बात कंटिन्यू करते हैं वापस से शिमला मिर्च की। तो शिमला मिर्च में और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लाइक आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, जिंक होता है, एसेंशियल फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, और ये आपकी मेटाबॉलिक रेट को भी तेज़ करता है, जिसकी वजह से आपको वेट लॉस होता है। शिमला मिर्च में डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, और ये आपकी स्किन को हेल्दी एंड यूथफुल भी रखता है। तो जितना हो सके आप शिमला मिर्च को, तीनों तरीके की शिमला मिर्च को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। एंड जब ये सारी चीज़ें भुन जाए तो उसके बाद आप मसाले डाल दीजिए। एंड जब ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे उसके बाद हम अपने आगे के सॉसेस डालेंगे इसमें, लाइक जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे, रेड सॉस, ग्रीन चिली सॉस एंड टोमेटो केचप। एंड अगर आप सॉसेस यूज़ नहीं करना चाहते तो मत करिए, इट्स कम्प्लीटली फाइन एंड इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कौन से सॉसेस को डालना चाहते हैं और कौन से सॉसेस को नहीं डालना चाहते। एंड अगर आप एक्सट्रीम वेट लॉस में हैं तो इन सॉसेस को थोड़ा सा अवॉइड करिए, लेकिन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन, चिल। आप एक दो मिनट इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं एंड थोड़ा सा मिक्स भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हम इसमें पनीर डाल देंगे एंड इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और लास्ट में हम डालेंगे अपना मैगी मसाला, जिससे एक अलग ही टेस्ट आपको मिलेगा एंड वो इस पनीर भुर्जी को एक बढ़िया टेस्ट देगा, जिसको आप इन्जॉय कर सकेंगे। एंड आपको ये चीज़ कोई भी बोरिंग नहीं लगेगी, और आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आप कोई डाइट फूड खा रहे हैं। आप इसको कैसे भी खा सकते हैं, या तो इसको ऐसे ही खा लीजिए, या रोटी के साथ एज अ सब्जी बना के खा लीजिए, या फिर किसी भी ब्रेड के साथ सैंडविच बना के खा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता है। एंड ब्रेड में आप वाइट ब्रेड भी खा सकते हैं, ब्राउन ब्रेड भी खा सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि नहीं आपको ब्राउन ब्रेड ही खाना है, क्योंकि आपको मार्केट में कम्प्लीट ब्राउन ब्रेड तो अवेलेबल होगी ही नहीं। यहाँ तैयार होती है अपनी पनीर भुर्जी, आप इसे खाइए, इन्जॉय करिए एंड हेल्दी रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।